आना घुस के दिखा आना काश ये मेरे मिनट से पहले घुस जाऊंगा एक झटके में तेरे अंदर घुस के तुझे खोखला कर दूंगा ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है तो आना घुस के दिखा दिखा तो कितना दम है मैंने भी ड्यू पॉइंट के कोराजिन का सुरक्षा कवच पहन लिया बेटा अपना कुछ नहीं कर सकता देखे हैं बहुत अब तू देख एक दो या क्या हुआ तू तो गिर गया तेरे लोहे के दांत मुझे वो सामान दिला बोला था ना मैंने कोशिश भी मत करना ड्यूपॉन्ट परिवार की सुरक्षा दी है मुझे मेरे किसान भाई ने ड्यूपॉन्ट परिवार की सुरक्षा वो क्या है तुझे क्या बताऊं बच्चे बता दिया तो तू उसका भी रास्ता निकालेगा है ना बिल्कुल बिल्कुल मेरा ठेंगा इसलिए ड्यूपॉन्ट लाया है अदल बदल की नीति कभी भी तू हमारे नजदीक भी नहीं आ पाएगा बच्चू चल देखा कैसे गया उड़ते हुए अब आप लोग अगर मेरी सेहत का ख्याल रखोगे तभी तो मैं आपकी जेब का ख्याल रखूंगा अब ध्यान से मेरी बात सुनो ये जो फूड और शूट बोरर है ना इनसे छुट्टी पाने के लिए तो अपना ड्यूपॉन्ट कोराजन ही काफी है घड़ी घड़ी ये डाल वो डाल की मच नहीं हाँ अगर डालना ही है तो ड्यूपॉन्ट कोराजन के साथ ऐसा इंसेक्टिसाइड डालो जो ग्रुप 28 का ना हो नहीं तो ये बदमाश एक जैसे दवा के आदि हो जाते हैं और फिर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता दवाई मचा देते हैं एक बात समझ लीजिए निर्धारित मात्रा से कम या अधिक रसायन का प्रयोग ना करें भाई नहीं तो तुम्हारा था दबाने से अब आप मेरी सुनो 0 से 40 दिनों में फ्रूट और शूट बोरर से नुकसान होता है इसके लिए कार्बोमेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का प्रयोग करना चाहिए अब रही बात 40 से 70 दिनों की जिसमें फ्रूट और शूट बोरर पौधे के फलों और फूलों पर वार कर उन्हें हानि पहुंचाते हैं जिससे फसल का नुकसान होता है और आर्थिक रूप से भी ये नुकसानदायक है लेकिन इस नुकसान से बचने के लिए भी ड्यूपॉन्ट कोराजन ही काफी है बस आप डोज सही डालना 80 ml प्रति एकड़ का छिड़काव करना ये डोसेज ऊपर नीचे करते हो ये सही नहीं है 70 से 100 दिनों के अंदर आप कोई भी दूसरा केमिकल जो ग्रुप 28 का ना हो उसका छिड़काव करना मालूम भी नहीं चलेगा इसको ऐसा खाएगा कि खानदान साफ 100 से 130 दिनों में फिर से ड्यूपॉन्ट कोराजन 80 ml प्रति एकड़ का छिड़काव करें और फिर 130 दिनों के बाद में कोई भी दूसरा केमिकल जो ग्रुप 28 का ना हो उसका छिड़काव करना चाहिए ड्यूपॉन्ट कोराजन मात्र फल और तना छेदक की रोकथाम करता है यदि चूसने वाले कीटों का आक्रमण हो तो डायफेंथ्यूरियन और एसिटामिप्रिड जैसी दवाइयों का प्रयोग करें चूसने वाले कीट निम्न प्रकार की क्षति पहुंचाने के जिम्मेदार हो सकते हैं थ्रिप्स के कारण फल सिकुड़ जाते हैं टुटड़े की वजह से पत्तियां मोटी या पीली पड़ जाती हैं पोषक तत्वों की कमी होने से फूल झड़ जाते हैं एक दो ध्यान की बातें रेड स्पाइडर माइट से छुटकारा पाने के लिए मैजिस्टर का प्रयोग करें ये अक्सर सूखे और गर्मी बढ़ने पर दिखते हैं कीट की लगातार 2 पीढ़ियों पर एक ही रसायन का प्रयोग ना करें टुटड़े या टुड्डे और सफेद मक्खी जैसे कीटों पर नियंत्रण के लिए टैंक मिश्रण को दी गई डायफेंथ्यूरॉन या एसिटामिप्रिड जैसी दवाइयों को मात्रा के अनुसार बनाया जा सकता है छिड़काव के लिए नैपसैक स्प्रेयर का इस्तेमाल 200 से 250 लीटर प्रति एकड़ पानी के साथ या ताइवान स्प्रेयर का इस्तेमाल 120 से 140 लीटर प्रति एकड़ पानी के साथ करें छिड़काव के लिए हम नैपसैक स्प्रेयर इस्तेमाल करने की सिफारिश करते हैं हर केमिकल का लेबल पढ़ें और जरूरी सुरक्षा बरतें बताए डोजेज ही प्रयोग करें और थोड़ी सतर्कता बरतें सही समय पर हर संभव इलाज हो सकता है ड्यूपॉन्ट कोराजन ये जिंदगी बदल सकता है चल हट जाओ अब कभी सोचना भी मत बैंगन के बारे में क्योंकि इनके पास ड्यूपॉन्ट कोराजन है चल यहां से